दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आपकी हाइट 6 फुट है और आज आपका कॉलेज का या ऑफिस का पहला दिन है। कॉलेज में एंटर करते ही पूरे कॉलेज की लड़कियां आपको देखने लगती है। आपके डिपार्टमेंट का HOD आपको दूर से देखकर ही क्लास का मॉनिटर बना देता है। सारे लोग आपको लंबा और ताकतवर समझकर अपना लीडर मान लेते हैं। खैर ये सब तो इमेजिनेशन थी, अब वापिस प्रेजेंट में आ जाओ। अगर आपकी हाइट 6 फुट से कम है और आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हाइट इंक्रीजिंग पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। जब मैं अपनी टीम के साथ इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसे कई लोगों के बारे में पता चला जिनकी हाइट 20 साल तक तो नॉर्मल थी, लेकिन 1 साल के अंदर उनकी हाइट 3 से 4 इंच बढ़ गई। उन्होंने बस कुछ बेसिक बातों को फॉलो किया और रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला। सीधी सी बात है, अगर आपकी हाइट रुकी हुई है तो या तो आपकी दिनचर्या खराब है या फिर आप इन बातों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स क्रैक द सीक्रेट ऑफ हाइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हाइट और बॉडी से क्या होता है, ये सब तो भारी चीजें हैं। शाहरुख खान की हाइट भी तो ज्यादा नहीं है, फिर भी वो दुनिया का सुपरस्टार है। कुछ लोग तो सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल भी देने लगते हैं कि उनकी हाइट भी कम है लेकिन फिर भी वो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। लेकिन अब कुछ एग्जांपल मैं भी आपको देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के सीनियर तेज गेंदबाज और IPL प्लेयर ईश्वर पांडे की लंबी हाइट देखकर कोच ने उन्हें क्रिकेट खेलने का सुझाव दिया और वो रीवा जैसे छोटे से शहर से निकलकर IPL तक पहुंच गए। मॉडलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि मॉडलिंग में 6 फुट से कम हाइट वाले लड़कों को बहुत कम लिया जाता है। मतलब जिनकी हाइट अच्छी होती है वो आसानी से मॉडलिंग कर सकते हैं, और आप मानो या ना मानो किसी भी कंपनी के अंदर उन लोगों को जल्दी प्रमोशन मिलता है जिनकी हाइट ठीक ठाक होती है। इसीलिए हम अपनी हाइट बढ़ाने के लिए ट्राई तो कर ही सकते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले जेनेटिक्स पर बात करते हैं। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं है। भगवान ने आपको कहां किसके घर में पैदा किया इस पर हमारा कोई बस नहीं होता। अगर आपके मम्मी पापा लंबे हैं तो फिर 90% चांसेस हैं कि आपकी हाइट भी लंबी होगी, लेकिन मैंने 90% बोला है, मतलब 10% ऊपर नीचे होता है। कई केसेस में तो मम्मी पापा की हाइट लंबी होती है लेकिन बच्चे की हाइट कम रह जाती है। बिकॉज जेनेटिक्स हम इंसानों के हाथ में नहीं है, इसीलिए अब हम उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जो हमारे हाथ में हैं। ग्रोथ हार्मोन। वैसे तो ग्रोथ हार्मोन नेचुरली बॉडी में रिलीज होता है, लेकिन हम इसे मैनेज कर सकते हैं। आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल फिजिकली एक्टिव लोगों में देखने को मिलेगा। 99% स्पोर्ट पर्सन लंबे होते हैं, भले ही उनकी बॉडी कैसी भी हो। हम इसका उल्टा भी समझ सकते हैं, मतलब जो लोग रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं वो लंबे होते हैं। स्पोर्ट्स नहीं तो जिम एक बेस्ट ऑप्शन है। बहुत से लोग मानते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। रिसर्च के दौरान मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन पैरों में घुटने के नीचे, नी के नीचे एक ग्रोथ प्लेट होती है। अगर गलती से भी उसमें इंजरी या चोट लग गई तो काफी ज्यादा चांस है कि हाइट रुक जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ प्लेट अंदर वाले हिस्से में होती है, इसीलिए चोट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी आपको फिजिकल एक्टिविटी और जिम करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि हमारी हाइट में डैड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आपके पापा की हाइट 5 फीट 7 इंच है तो आपकी हाइट उनसे 2-3 इंच ही ज्यादा हो सकती है, और आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके 5 फीट 9 इंच तक आराम से जा सकते हो। रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इंडिया में एवरेज मेल हाइट 5 फुट 6 इंच होती है। तो सोचो अगर आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच या 5 फुट 10 इंच हो गई तो आपकी पर्सनैलिटी तो एक तरफा डोमिनेट करेगी। बॉडी पोस्चर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कुछ लोग हाइट में ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा होता है, इसीलिए वो ठीक ठाक लंबे दिखते हैं। आजकल हर इंसान की जिंदगी में एक मीठा जहर आ चुका है और इस मीठे जहर का नाम है मोबाइल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मोबाइल खराब चीज है, अगर इसका सही यूज किया जाए तो ये बहुत काम की चीज है, लेकिन हमारी पूरी यूथ दिन रात गर्दन झुकाकर मोबाइल पर स्क्रॉल करने में लगी है। इससे बॉडी का पोस्चर बिगड़ गया है। और अगर आपको कभी ये नोटिस करना हो तो अपने आसपास के सारे लोगों को ध्यान से देखना, 90% लोगों की गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई होगी, और इसका जितना इफेक्ट गर्दन पर पड़ता है उससे ज्यादा इफेक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। मोबाइल चलाते समय हम थोड़ा झुक करके बैठते हैं और यहीं से हमारी बॉडी का पोस्चर बिगड़ना शुरू होता है। दिन भर ऑफिस में चेयर पर बैठकर काम करना, फिर उसके बाद कार चलाना, रात को गलत पोस्चर में सोना, कुल मिलाकर आप अपनी बॉडी की ऐसी तैसी कर रहे हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाइट बढ़ने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 10 प्रकार की प्रॉब्लम्स जरूर आ जाएंगी। अगर आपका पोस्चर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस है तो बस एक सिंपल सी एक्सरसाइज करो। घर में किसी भी दीवार के सहारे खड़े हो जाओ और अपनी बैक को दीवार से सटाकर टच करो। आप फील करोगे कि आपका चेस्ट थोड़ा बाहर निकल गया है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। बस हर रोज 5 मिनट ये करना है, आपको 1 महीने के अंदर 1 इंच का फर्क तो दिख ही जाएगा। स्लीप। शायद आपने सुना होगा कि जब हम सोते हैं
तो हमारी हाइट 1 इंच लंबी हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सोते समय हमारी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो जाती है, और जब हम दिन भर काम करते हैं या चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारी स्पाइन पर लोड आ जाता है और वो हल्का सा झुक जाती है। इसलिए स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी हाइट बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स भी सोते समय ही अच्छे से काम करते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि जो लोग लंबे होते हैं वो सोते ज्यादा हैं। दोस्तों, नींद अपने आप में हर मर्ज की दवा है। जिन लोगों की नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी बॉडी ग्रोथ भी अच्छी होती है, और अगर बॉडी ग्रोथ अच्छी होगी तो हाइट अपने आप बढ़ेगी। दोस्तों, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि टेंशन लेने की चीज नहीं है, टेंशन देने की चीज है। खैर, अपन को विलन बनकर किसी को टेंशन नहीं देनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी आपको टेंशन देकर चला जाए, क्योंकि ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब कोई इंसान तनाव में होता है तो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सिकुड़ जाती है, इवन दिमाग की नसें भी सिकुड़ जाती है। और ऐसे में किसी इंसान की हाइट अगर 5 फुट 8 इंच है तो देखने पर वो 5 फुट 7 इंच जैसा फील देगा, क्योंकि टेंशन में रहने वाला आदमी हमेशा कंधे और गर्दन झुका कर चलता है, वो थोड़ा अंदर से डरा हुआ होता है, इसीलिए उसकी बॉडी पूरा स्पेस ना लेकर श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। वहीं अगर बंदा फुल कॉन्फिडेंस में हो तो वो 5 फुट 7 इंच की हाइट वाला आदमी भी 5 फुट 8 इंच वाला फील देता है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, यू नो वेरी वेल कि टेंशन ना लेने से आपकी हाइट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन टेंशन लेने से आपकी हाइट और पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और इस चीज को मुझसे बेटर कौन समझ सकता है कि टेंशन और डिप्रेशन लाइफ को कैसे बर्बाद कर देते हैं। सो यार, बी कूल अपने थाला भाई की तरह। अब मैं जिस चीज की बात करने वाला हूँ वो गली का बच्चा बच्चा जानता है, मैं लटकने की बात कर रहा हूँ। बहुत कॉमन बात होने के कारण हर किसी के मन में डाउट रहता है कि क्या लटकने से हाइट भी बढ़ती है। सो यस, दिस इज ट्रू, एंड इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हमारी बॉडी में एक तरह से इलास्टिक होता है, इलास्टिक बोले तो लचीलापन टाइप का। आप ऐसे समझो कि हमारी बॉडी एक तरीके से रबर ही है, और अगर आप एक छोटी सी रबर को रोज रोज खींचोगे तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। सेम फैक्ट हमारी बॉडी पर भी अप्लाई होता है। रोज रोज लटकने से पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है और हाइट इंक्रीज होने लगती है, लेकिन ये चीज एक लिमिटेड एज तक ही काम करती है। जब आप ग्लोइंग एज में होते हैं, मतलब 21-22 साल तक, तभी ये चीज ज्यादा काम करती है। हालांकि बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए हम 50 साल के बाद भी लटक सकते हैं, लेकिन फिर उससे हाइट में कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। सो अगर आप बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, देन घर की बालकनी, पेड़ की डाली, जहां बन पड़े लटक जाया करो 3-4 मिनट के लिए। अगली चीज का नाम है सनलाइट। पर्सनली मुझे एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हम इंसानों का दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमें फ्री में मिलने वाली चीजों की कीमत समझ ही नहीं आती। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है हवा, पानी, खाना, और ये चीजें नेचुरली फ्री होती है। इसी तरह एक और चीज है जो भगवान ने हमें बिल्कुल फ्री में दी है, लेकिन आजकल लोग रात को देर से सोते हैं, इसीलिए सुबह की सनलाइट मिल ही नहीं पाती उन्हें। मतलब जब सुबह सूरज निकलता है तो हमें 1-2 घंटे के अंदर सनलाइट ले लेनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि एक तीर से 2 निशाने लगाओ, क्योंकि अब मैं जो अगली चीज बताने वाला हूँ उसका नाम है सूर्य नमस्कार। आप सुबह सुबह सनलाइट में सूर्य नमस्कार करो, 1 हफ्ते के अंदर फर्क आपको साफ दिखने लगेगा। सूर्य नमस्कार करने से हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से एक्टिव होते हैं, जिससे स्पाइन में रक्त संचार बढ़ता है और हाइट इंक्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सूर्य नमस्कार करते हुए जब आप सनलाइट लेंगे तो आपकी हड्डियां स्ट्रोंग हो जाएगी और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ तो हाइट के साथ साथ आपका बहुत कुछ इंक्रीज हो जाएगा। अब जब टेस्टोस्टेरोन की बात चली रही है तो लगे हाथ में आपको कुछ और पॉइंट भी बता देता हूँ। जो लोग फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेजी से बूस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लड़कों को लेते हैं, पहले राघव और दूसरा विकास। राघव और विकास की हाइट, वेट बिल्कुल सेम है, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। फिर अगले 1 महीने के लिए विकास को एक लग्जरी एसी वाले बंगले में बंद कर दिया जाता है। बंगले के अंदर खाना पीना और वो हर चीज मौजूद है, जिससे कि विकास को घर के बाहर जाना ही ना पड़े। विकास दिन भर मोबाइल पर वीडियो गेम खेलता है और बिस्तर पर पड़े पड़े अपना 1 महीना स्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ राघव को 1 महीने के लिए एक फिजिकल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। राघव के ट्रेनर उसे सुबह सनराइज होने से पहले जगा देते हैं और सनराइज होते ही 5 किलोमीटर लंबी रनिंग करवाते हैं। इसी तरह पूरे 1 महीने तक राघव सुबह शाम ट्रेनिंग करता है और विकास अपने एसी वाले कमरे में पड़ा रहता है। आपको क्या लगता है 1 महीने के बाद दोनों की हाइट में कितना फर्क हो गया होगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि भला 1 महीने में क्या ही फर्क होगा, लेकिन रिजल्ट आपकी सोच से कहीं ज्यादा अलग था। जब पूरे 1 महीने बाद राघव और विकास को आजू बाजू में खड़ा किया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे विकास का विकास पीछे चला गया हो। उसके कंधे झुके हुए थे और विकास की स्पाइन में हल्का सा कर्व दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ राघव सीना तान के खड़ा हुआ था।
उसकी हाइट विकास से 1-2 इंच ज्यादा लग रही थी। दोस्तों, प्रकृति ने हम इंसानों को फिजिकल वर्क करने के लिए बनाया था। हमारे पूर्वज हमसे 1000 गुना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे। दिन भर शिकार करना उनका काम होता था। वो लोग ठंड, गर्मी और बरसात में गुफा के अंदर ही रहते थे, इसीलिए उनकी हाइट और बॉडी साइज काफी बड़ा होता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होता गया, उसकी हाइट और बॉडी ग्रोथ भी कम होती गई। सो गाइज, हमारे पूर्वजों जितना ना सही, लेकिन जितना हो सके उतना ज्यादा फिजिकल वर्क करो। बाजार में दूध, दही, सब्जियां लेने के लिए बाइक और स्कूटी ले जाने के बजाय पैदल जाओ। दूध, दही और सब्जी से याद आया, डाइट। आपकी हाइट में आपकी डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या मैच कराना हाइट और डाइट। हमारी हाइट तभी बढ़ेगी जब हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 किलो है तो हर रोज 80 ग्राम प्रोटीन लेने का ट्राई करो, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर बॉडी को इनफ डाइट ही नहीं मिलेगी तो हाइट भी नहीं बढ़ेगी। सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, वो है स्ट्रेचिंग। वैसे तो अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो स्ट्रेचिंग अपने आप हो जाएगी, लेकिन अगर आप डेली 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन बेटर वर्क करेंगे। सो गाइज, मुझे लगता है इतना इनफ है नेचुरल हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आप हाइट के साथ साथ आपको अपना वेट भी गेन करना है तो उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाइट इंक्रीजिंग जर्नी।